तो देखो, अब किसी भी रेफरेंस को बनाने से पहले उसका स्टडी करना, उसको सीनिंग एंड ऑब्जर्विंग करना आपको काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अब इस रेफरेंस में देखिए, डार्क शेडो, हाईलाइट सब चीज़ दिख रहा है, तो इनको ऑब्जर्व करना और इन सब चीज़ को अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करना, तो वो आपके लिए एक बड़ी बात हो जाती है नहीं। तो धीरे धीरे इनको स्टेप बाय स्टेप करना हम सीखेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, लेयरिंग बनाई बताई थी, शेडो बताया था, और लाइट एंड डार्क बताया था, और ब्राइट बताया था, और हाइलाइटेड एरियाज़ बताए थे। तो ये सब क्या है, इस रेफरेंस में दिख रहे हैं, और इन्हीं की ही स्टडी करके आप एक क्या है रेफरेंस को आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और लाइट डार्क एंड शेडो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, उसमें आपने अच्छी तरीके से पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। एंड लाइट डार्क के शेडो अगर समझना है तो लिंक मैं आई बटन पर दे देता हूँ। एंड उसके बाद जो शेडिंग का है, शेडिंग का उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीयूष जोशी की जो है ड्राइंग को पूरा करेंगे, और उसमें मैं आपको शेडिंग टिप्स भी दूंगा, क्योंकि मैं तो शेडिंग पर ही बना रहा हूँ ये ड्राइंग को मैं, और कोई मोटिव नहीं है, आपको समझाना है इसका मोटिव है, बस आप लोग समझें इसको मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, और किन पेंसिल्स का यूज़ करके, किन टेक्निक्स का कितन यूज़ करके जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब करता हूँ मैं, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली है जो मैं बेस शेडिंग, देखो बेस लेयर जिसको कहते हैं, बेस लेयर में ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे हैंड देखो, पेंसिल्स पकड़ने का तरीका देखिए, पीछे की ओर से पकड़ के मैं शेड कर रहा हूँ उसमें। क्यों क्यों पीछे की ओर से पकड़ के शेड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट शेडिंग है और उसकी पूरे फेस में एक लेयर मेरे को देनी है। तो इसी तरीके से पहले ड्रॉ करना है हमने जो है फर्स्ट शेडिंग को, पूरे फेस में आपने कर देनी है इस तरीके से। तो क्या है, फर्स्ट लेयर आपकी लाइट ही होनी चाहिए। तो लाइट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पेंसिल को पीछे की ओर से पकड़ें और धीरे धीरे शेड करते रहें, और शेड उन एरियाज पे करें जहाँ पर को डार्क डार्क दिख रहा है। तो फर्स्ट लेयर हो गया अपना कंप्लीट। तो करते हैं सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में आपने 2B पेंसिल या 4B पेंसिल्स का यूज़ करना है, बेसिकली 2B ही करें तो ठीक रहेगा। तो उससे थोड़ा और डार्क आप अपना हैंड प्रेशर को थोड़ा ज़्यादा डार्क करके उससे उसमें शेड करें, एंड जो जो डार्क एरियाज हैं उनको थोड़ा भरें एंड डार्क करें, जैसे आईज़ होगी, आई लैशेस हो गए, एंड आपका जो है अपर आइज़ हो गई, लोअर आइज़ हो गई। तो इनको क्या करना है, आपने थोड़ा डार्क करना है, उतना नहीं जितना, डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डार्क करना है। तो आप 2B पेंसिल या 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर को। तो अब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बाद मैं करता हूँ ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए मैं रुई का यूज़ करता हूँ, कॉटन की रुई जो है, तो उससे अच्छा ब्लेंड हो जाता है। अगर आपने स्मूथ फेस या स्मूथ टेक्सचर फेस बनाना है तो आप रुई का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आप उसमें फिर से लेयर ऐड करनी है, क्योंकि डार्क लेयर्स और ऐड करनी पड़ेगी आपको, और डार्क करना है तो आप 4B पेंसिल का यूज़ थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई करके आप 4B पेंसिल के यूज़ से और डार्क उसको कर सकते हैं। और ध्यान रखें, एक ही बार में पूरा डार्क ना करें तो आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके आप शेडिंग करें। मैंने ब्लेंड करने के बाद एक लेयर और करी, फिर उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए आप इरेज़र या फिर नीडेड इरेज़र, और अप्सरा का एक मैक्नो इरेज़र आता है, तो 20 रुपये का मिल जाता है वो, मैं उसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है वो। एंड आप नीडेड इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो यहाँ पर को अवेलेबल नहीं है एरिया पे, तो मैंने वो
ऑनलाइन बाय किया था, तो इसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है और लेयर टू लेयर आपने डार्क करना है। एकदम से अगर अपना वर्क को आप डार्क करेंगे तो आपका वर्क अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपने इन सब चीज़ों का यूज़ करना है, लेयर लगानी है फिर हाइलाइटेड करना है, लेयर लगानी है फिर डार्क करना है। तो इस तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके आपने उतना डार्क करना है जितना उसकी हद है, जितना उसमें आपके रेफरेंस में है उतना डार्क करिए। कि और काम करते समय ये कभी ये भी होता है कि यार आप मन नहीं है, और उसके बाद अगर जब मन नहीं है तो नहीं बनाएं, तो वो अच्छा नहीं बनेगा वैसे भी अगर आपका मन नहीं होगा और आपसे बन नहीं रहा है तो उसको रोक दें, सीधे ज़बरदस्ती ना बनाएं। अगर आप ज़बरदस्ती लगे भी रहेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, आपके ना प्रपोर्शन अच्छे आएंगे ना वो आएंगे, क्योंकि जितना आप उसमें काम करेंगे वो उतना बिगड़ भी सकता है या फिर जितना आप उसमें काम करेंगे वो उतना सुधर भी सकता है। तो वो है आपके माइंड पे, आपका माइंड कैसा है उस समय, आपको ड्रॉ करते समय आपका माइंड फ्रेश है या आप ऐसे ही बनाने में लगे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है और प्रोसेस यही है, आपने शेड करना है और ब्लाइंडिंग तभी यूज़ करना है जब आप अच्छी से शेडिंग करना सीखें। अच्छी से शेडिंग करना तभी सीख पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी लाइट डार्क शेडो ऑब्जर्वेशन स्किल हैंड प्रेशर, इन सब चीज़ों की जो स्किल्स आपकी होंगी तो तभी आप शेडिंग सीखेंगे। तो दोस्तों फेस शेडिंग लगभग हो गया है कंप्लीट, तो अब हम इसके हेयर ड्रॉ करते हैं। हेयर का भी मैं इसी में साथ ही में दिखा देता हूँ। हेयर में क्या है, देखो हेयर में जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स का लोकेशन है उस डायरेक्शन में आप हेयर्स को कर सकते हैं। शुरुआती में ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा डिटेल करनी है तो एक एक हेयर आपने ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप अगर शुरुआती ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उससे फेस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आपका फेस का लोकेशन वही रहेगा, वो फेस के प्रोपोर्शंस वैसे ही रहेंगे। बस हेयर्स थोड़े बहुत आप बना लेते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि हेयर्स की जो डायरेक्शन है आप डायरेक्शन की ओर को ही हेयर्स बनाएंगे तो आपके फेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो हेयर ड्रॉ करने का भी वही प्रोसेस है जैसा कि आप फेस ड्रॉ करने का प्रोसेस होता है, वैसे ही आप सबसे पहले हेयर्स की डायरेक्शन बनाएंगे जिस डायरेक्शन को हेयर्स हैं, एंड फिर उसके बाद उनको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे किसी भी ब्लेंडिंग टूल के वजह से, और आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे लेयर्स लगाते रहें, 6B से स्टार्ट करें, क्योंकि 6B ज़्यादा ही होता है, 6B से स्टार्ट करें 10B, और आपको जितना डार्क हेयर करने हैं उतने डार्क हेयर आप इस पेंसिल से करते हैं। तो देखो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उसमें उससे क्या करना है, हाइलाइटर टूलों से हाइलाइट करना है, फिर उनको ब्लेंड करना है, फिर हाइलाइट करना है। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, हेयर्स ड्रॉ होंगे। एंड ये हेयर का थोड़ा टाइप अलग है, ये थोड़ा सिल्की हेयर्स हैं तो इसमें ए और लोकेशन उसकी धूप में है तो उसमें ज़्यादा ब्राइट है, तो इनमें एक एक हेयर बनाने पड़ जाते हैं कभी कभी। एंड एंड में जो हेयर्स ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं तो उनको भी हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट, तो इसको फटाफट हम हाईलाइट कर देते हैं, फिर ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। एंड दोस्तों सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन होते रहता है ना यहाँ पर, तो इसमें दिक्कत होती है साउंड को करने में। तो अब ये ड्राइंग हो जाता है अपना कंप्लीट, एंड आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।